एक साल के बाद मैंने ये जाना कि लोग यहाँ बाहर से परफ्यूम मंगवाते हैं, बट ट्रस्ट मी, जो मुझे मज़ा लाइमलाइट की कुछ फ्लेवर्स और जेडोट में और जो निशात के परफ्यूम्स में आता है ना, वो यहाँ पर अभी तक यहाँ तो शायद मुझे वो फ्लेवर्स मिल नहीं पाए हैं। ये क्या सीन है, तो मुझे ऐसे अभी तक वो मज़ा नहीं आया यहाँ ना। यहाँ जो परफ्यूम्स हैं जो एक्सपेंसिव हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, और जो रिजनेबल में आपके पास, रिसेंटली किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ज़ारा के परफ्यूम्स चेक करें, बट मुझे पर्सनली बिल्कुल भी फ्लोरल खुशबू, मीठी मीठी खुशबू, बजाय इसके कि राहत दे, वो उल्टा मुझे नौजिया होना शुरू हो जाता है। सो मैं वैसे तो बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी कोई नहीं बनाती या बहुत ज़्यादा कोई अच्छी कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती उसमें, लेकिन ये बिरयानी की रेसिपी मैंने दो दफ़ा ट्राई की है। इंटरेस्ट में जिसने खाई है ना, वो बस इस तरह की यार कब बनाऊंगी, सुबह शाम फैसल नाश्ते में से बिरयानी मांग रहे थे और वो ख़त्म भी हो गई, तब भी कहती है बिरयानी ही दोबारा बनाऊंगी, इतनी ज़बरदस्त बनी थी। तो अगर आप लोग को बिल्कुल ऐसी बनाते हो इसमें थोड़ी बहुत लिटिल बिट सी चेंजेस हों, तो आप लोग जो हैं इसको लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रात में जो है वो मेरा केक खाने को बहुत ज़्यादा दिल था। यहाँ पर लोग जो हमें लिटिल पे केक मिलते हैं, एक तो इसमें हलाल वगैरह दोबारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, दूसरा उसमें यहाँ पर लेमन लोफ केक्स आते हैं, ऑरेंज लोफ केक्स ज़्यादा वो लोग पसंद करते हैं, और हम ठहरे पाकिस्तानी, हमें वनीला के अलावा और कौन सा टेस्ट अच्छा लग सकता है। तो मैंने कहा चलो यार नहीं मिला कोई गल नहीं, मैं बनाऊँगी घर में। तो मैंने फिर उसी टाइम जो है रात में बनाया। मैं यहाँ मैंने ये न्यू रेसिपी ट्राई की थी और ट्रस्ट मी, आपके पास जो मोल्ड होता है ना, अब मिक्सचर आप जो मर्जी अंदर डालो, लेकिन जब मोल्ड की शेप जो है वो बहुत मैटर करती है। अब जैसे फ्रूट केक था और इसमें जब मैंने डाला और इसकी शेप इतनी खूबसूरत आई, तो मतलब दिल खुश हो जाता है यार, मेहनत की वसूली हो जाती है। मैं तो कश्मकश में मैंने कहा मैं की नमाज पढ़ने लगी हूँ, लेकिन ध्यान मेरा वहीं लगा हुआ है। तो मैं बना के मिक्सचर को रख के 10 मिनट में मिक्सचर बन गया। अगर आप लोग इसकी रेसिपी चाहते हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। ट्रस्ट मी आप लोग भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। रात में बिरयानी खाने के बाद भी हम लोगों को हुआ कि चलो यार मुझे तो आइसक्रीम खानी है, और फिर जब हम जाते हैं तो मेरा होता है कोल्ड एंड हॉट का कम्बिनेशन, तो आई वाज लाइक मुझे फ्राइज़ भी खानी है। तो वहाँ जाके कहते हैं यार फ्राइज़ क्या लेनी है, उसके साथ फिश बर्गर ही एक ले लेते हैं। तो वो फिर हम लोगों ने एक उसका नया फ्लेवर फ्राई आया हुआ था आइसक्रीम का लाइन में, आप लोगों में से अगर किसी ने ट्राई किया है तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। हमें भी ये था कि हम भी ट्राई करें, और पर्सनली फैसल ने तो इसको 3.5 out of 5 दिया, और मुझे वो ठीक लगी, बिकॉज मुझे हम लोग ज़्यादातर लेते हैं ओरियो कैरमल या किटकैट कैरमल, तो इतना ज़्यादा जो है ना फ़र्क नहीं नज़र आता दोनों में। मुझे ऐसे लगा जो शेप है ना बिस्किट्स की, सिर्फ वही क्रंच चेंज है, बाकी तो टेस्ट बिल्कुल सेम था। उसके अलावा मैं देख रही थी यहाँ पर, जब से आई हूँ दूसरी दफ़ा मैंने अपनी निकाह की मूवी देखी, सो इमोशनल इट वॉज, लेकिन ये नहीं कि मैं साइन कर रही हूँ, इट वॉज के लाइक यार मैं इनको कह रही रात को, मैंने कहा यार मैंने 3-4 दफ़ा मूवी पहले भी देखी है अपने निकाह की, लेकिन जो मुझे रोना इस दफ़ा आया ना, मैंने कहा अपनी मामा पापा अपने सब करीबियों को अपने आसपास देखा और उनको चलते हुए बात करते हुए देखा, तो मैंने कहा मुझे उस चीज़ पर रोना आ रहा था। और हमारी जो थी नेक्स्ट डे फाइनल प्रेजेंटेशन थी, इसलिए हम दोनों रात को बैठ के काफ़ी देर तक अपनी प्रेजेंटेशन जो है करते रहे, और ये मेरा क्यूटो सा, मैं कुछ मोमेंट्स बहुत मिस करती हूँ कि शायद अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं एक बहुत अच्छी आनी बन पाती। तो होप सो यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड विजिट माई चैनल विद द नेम ऑफ पुर्तगाल लाइफ विद कमल।